हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष सर, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, अभी आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा और स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह की 3D इफेक्ट वाली स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो या स्पेशल स्टेटस, फ्रेंड्स इस तरह की स्टेटस वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाना, तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मटेरियल्स का यूज हुआ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, देन उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद लिंक फोन के स्क्रीन पर ओपन करेंगे, काइन मास्टर अपलीकेशन को एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। तो दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे एक मिनट जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं फोन के स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। देन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आया, क्रिएट न्यू का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। स्पेसिफिकली टैप कर लीजिए, टैप करने नौ सौ लगा रेसिव सेलेक्ट कर लीजिए और सॉरी रेसिव सेलेक्ट ही नहीं करना है, या नीचे इंपोर्ट प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका मैंने ये वाला फाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दे दिया, ये 3D काइन करके इसका आ रहा है, 3D होली काइन करके। तो ये वाला फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो मैंने दिया वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे सिंपली आपको इसे डाउनलोड मतलब इंपोर्ट कर लेना यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉन्ग लगा हुआ है, बट अगर आप इस सॉन्ग को चेंज करना चाहते हो तो सिंपली इसे सेलेक्ट कीजिए, सबसे पहले इसे डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद ऑडियो पे जाइएगा और जो भी ऑडियो आपका होगा उसे यहाँ पे ले लीजिएगा। तो मैं तब तक के लिए ऑडियो को रहने देता हूँ, मैं पहले यहाँ पे एडिटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो अब आगे जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 इमेज आपको यहाँ पे लगाना है, तो आप अपना मॉडल इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने राधा कृष्ण का इमेज लगाकर आपको दिया है, तो आप सबसे फर्स्ट वाले इमेज पे आइएगा और यहाँ पे कोई भी इमेज आप लगाइएगा तो आपको एडजस्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस तरह से एक बार इसे हल्का सा प्ले करके देख लीजिए कैसे इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो की लगा हुआ है, तो फर्स्ट की पे स्टार्ट होता है तो ये जूम होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। इस पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ तक जूम आता है और फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ जूम चला जाता है इस तरह से और गायब हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इमेज आपको इसी तरह से लगाना है और इसी तरह से एडजस्ट करना है। तो आपको इमेज यहाँ पर रिप्लेस कैसे करना है, इमेज यहाँ पर सिलेक्ट है, ट्रिमर के ऊपर में मीडिया का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करना जो भी इमेज आप यहाँ पर लगाना चाहते हो उस इमेज को सिंपली ले लीजिएगा। तो मेरे पास कुछ इमेज है होली के रिलेटेड ही इमेज होगा, तो मैं वहाँ से एक थो इमेज को पहले यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। वैसे आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, मॉडल इमेज आपका जो भी होगा आप उसे ले सकते हैं, आप अपना कपल इमेज भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेज है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। जैसे ये वाली इमेज को ही आप देख सकते हैं, ये वाली इमेज को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है। तो फर्स्ट में तो यहाँ पर इस तरह से आया, जूम होता हुआ ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं आ रहा है ऊपर यहाँ तक और फिर यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पर जाकर गायब हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कटने का जो आ रहा है, तो ये पूरी तरह से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ क्रॉपिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसका मास्क ऑन कर देंगे और इसे थोड़ा सा आगे तक इस तरह से कर दीजिए। तो नीचे से थोड़ा सा शैडो टाइप का आने लगेगा, ऊपर भी आ रहा है नज़दीक होने की वजह से, तो इतना पर रख लेते। तो अब देखिए ये सही लग रहा है यहाँ पर, अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छी तरह से यहाँ पर एडजस्ट हो गया। तो इस इमेज को हमें ज़्यादा जूम नहीं करना पड़ा क्योंकि इमेज एकदम एडजस्टेबल था। तो आप भी देख लीजिए, अगर इमेज सही होगा तो आपको ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना होगा। अब नेक्स्ट वाली इमेज को फिर से सेलेक्ट कीजिए और इसे भी आपको इसी तरह से देख लेना कि कैसे आ रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर आ रहा है यहां तक और फिर यहां से ये नीचे की तरफ यहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो बस सेम प्रोसेस यहां पे भी है। और तो ट्रिमर के ऊपर में मीडिया का ऑप्शन देख रहे हैं, इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करना जो भी इमेज आप लेना चाहते हो, जहां पे भी आपका इमेज होगा उस इमेज को ले लीजिएगा। फ्रेंड्स, कोई भी इमेज आप लेते हो उसका बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड रिमूव करने में कोई भी परेशानी होती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहां पे नेक्स्ट वाली इमेज, तब तक के लिए मैं इसे यूज कर लेता हूं, ठीक है। ये भी सेम प्रोसेस यहां पे देख सकते हैं, इमेज यहां पे जूम होता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है और फिर यहां से नीचे की तरफ चला जाएगा। इसमें तो हमें कटने का टेंशन भी नहीं है, तो यहाँ पे देखते ये एडजस्ट है यहाँ पे। बट अगर फिर भी आप चाहते कि नीचे शैडो टाइप का थोड़ा आ जाए, तो यहाँ पे क्रॉपिंग में आइएगा और इसका मास्क इनेबल करके थोड़ा सा इसका फेदर बढ़ा दीजिएगा, इस तरह से अच्छा लगेगा देखने में, राइट क्लिक कीजिएगा। अब नेक्स्ट वाली इमेज में थोड़ा सा इफेक्ट चेंज है, ठीक है। ये इमेज आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ उठता है यहाँ पे और फिर यहाँ से नीचे की तरफ पूरी तरह से गायब हो जाता है, बस इतना पे वीडियो आपका रुक जाता है। तो यहाँ पे जो भी इमेज लगाना चाहते हो उसे आपको रिप्लेस करना है, तो सिंपली इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ट्रिमर के ऊपर में मीडिया का ऑप्शन है, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट इमेज जो भी आप लगाना चाहते हो उस इमेज को ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए मैं कोई कपल इमेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जो कि होली वाला नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कपल फुल बॉडी वाला कपल इमेज होना चाहिए। तो उस तरह का इमेज मैं देख लेता हूँ, मेरे पास है काफ़ी सारे इमेज, इसमें से कोई भी इमेज मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो चलिए, तब तक के लिए ये इमेज यहाँ पर मैं सेट कर दी हूँ। अभी इसे आप आगे लेकर आइएगा, तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज पूरी तरह से ऊपर हवा में, जो कि नहीं होना चाहिए, इसे थोड़ा हम नीचे करेंगे। तो इस तरह से इसे जूम कीजिएगा, यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं इस तरह से आ रहा है, तो इसे थोड़ा जूम करेंगे इस तरह से कि पूरे स्क्रीन पे इस तरह से आ जाए यहाँ तक, इसे ले लीजिएगा। फिर आगे की तरफ जाएंगे यहाँ पे और ये ऊपर की तरफ यहाँ तक आया, देख सकते हैं जैसा कि। तो आपको क्या करना है, ये ऊपर क्रॉपिंग वाला जो इस पर जाकर इसका मास्क इनेबल करना है, क्योंकि नीचे हमारा लोगो भी आ रहा था, तो मैंने इसे मास्क इनेबल कर दिया, तो नीचे से यहाँ क्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ से ये सही है, इस तरह से यहाँ पर गायब हो जाएगा, वीडियो यहीं ख़त्म हो जाएगा।
तो मॉडल एडजस्ट तो यहाँ पे हो गया। अब आपको सॉन्ग ऐड करना है, तो सॉन्ग जो भी ऐड करना चाहते हो सॉन्ग को ले लीजिएगा। तो चलिए मैं देख लेता हूँ, मेरे पास कोई सॉन्ग होगा तो मैं उसे ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक वीडियो है जिसमें सॉन्ग लगा हुआ है होली वाला, तो लेयर्स पर क्लिक करते हैं, मीडिया में चलते हैं। मीडिया में चलने के बाद जिस भी फाइल में आप वीडियो होगा, वीडियो से अगर लेना चाहते हैं तो जिस भी फाइल में वीडियो होगा उस फाइल को सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा और ले लीजिएगा वीडियो को। तो ये वाला वीडियो में ऑडियो है तो इसमें नहीं से ले लिया, नीचे स्क्रॉल करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देंगे तो ऑडियो हमें मिल जाएगा। वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ऑडियो यहाँ पर मिल गया। अब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं। तो जो भी सॉन्ग पे आप स्टेटस बनाना चाहते हो उसे ले लीजिएगा। आपकी स्टेटस बनकर यहाँ पे तैयार हो चुकी है, आप सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर एरो देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद सेव वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे ली कमेंट ऑप्शन जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे आइकन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।